So, Dada, hi, how are you? Look center, sir. पूरे झूठे तो नहीं लेते तो सारा के नीचे पूरे झूठे पैसे ये करते ब्रांडिंग लिख लो ग्रे नेल पॉलिश भी लगाया क्लोजअप लो ना ज़ूम ना शी इज वेयरिंग रेड आई एम वेयरिंग दिस नाइस ना कूल शूज ना हील्स भी है दे आर टेकिंग विजुअल्स ऊपर से नीचे हां ये बड़ा अच्छा है वेरी नाइस और एक मुझे को यहां पर हां यहां डायरी पिक्चर हो गया नहीं यू को अरे क्या काट दो काट दो अब मैं सीधा खड़ी रहूंगी हां हां लुक हियर Okay, thank you. Done. Solo, solo. Wait. Solo. Sir, kar de. Zara. Sir, kar de. Yes. Sir, your solo. एक कर दो ना एक कर दो मत ये तू सर हाँ अस्सी हाँ सराय हाँ पूछा तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे नाजिया वो जो हाँ नाजिया हाँ नो आई कम लाइक दिस नो अगर तुम्हारा हाँ हाँ अच्छा एक वो नहीं हाँ हाँ पूछा थोड़ा अंदर थोड़ा फ्रेम में आ रहा है यस रेडी थोड़ा सा बस पूजा पूजा अबे फाइन कुछ निकालो Rajneesh for you. See, I think I read a lot of thriller stories, horror novels, and I think it's the way they're written. So you see, his are all banking novels, and they're all thrillers. So I would actually aage jaake like to make films like those. Even though they're on a corporate sector, or they look like normal stories, but they have so much of English sector. So that's what excites me. Our film here is a horror film. So horror ke andar bhi the basic thing is ki if your content is right, if you've written it nicely, along with that you've treated it nicely. So that really makes a difference. And plus if you have performers like Nazia, me, Kunal, Pooja, Archana and Shafak. So who are seasoned that we are hoping that even for the audience to see.
Do you believe that already you have done this genre, so there's a ease, there's a kind of comfort, or like every film is challenging, every film is different? See, I think, yes, I've done two horror films before, 1920 and Sase, this is my third. Obviously, every film is a new film. Every film, every TV show that I do, or every web TV content that I'm doing is a new, very new thing. And you have to start preparing from scratch. You have to put in a new, otherwise it's a different feel altogether, it's a different lane. And agar wohi same karna hai, toh fir toh main 9-to-5 job hi karega. पिघल नहीं रहा है, वो पकड़ के रखे हुए नहीं, इसलिए अरे वो मार अर्चना का ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ट्राइपॉड निकालना भाई साइड से। ये जो है मेरी फेवरेट है। मेरी चहिती। वो ऐसा ही करता है। बाल में लग गए। एक और आप लोग थोड़ा सा उधर जाएंगे प्लीज एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा। थोड़ा सा सीट पे जाना। सर ग्रीन शर्ट एक्सक्यूज मी प्लीज थोड़ा सा। अरे वो कार्ड हटा देंगे प्लीज इसको कार्ड। अरे हां अरे रहने दो यार, वहां का कोई नहीं आएगा यार फ्रेम में। तो थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ ना, बहुत अपन नजदीक है। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा। ए बंदा सर आज तो इनका बर्थडे है। हां 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 अभी चल रहा है। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टर राजीव सुरिया। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रेम में आ रहा है। Happy birthday to you, happy birthday dear Rajiv Priya. मैं ले जाऊँ? मैंने अर्चना को काट दिया। अर्चना को काट दिया आपने अपनी एक्ट्रेस को। भूत खिला रहा हूँ ना, सब भूत खिला के बनाऊँगा मैं। I feel possessed. Thank you. Nice cake, yeah. I feel possessed. Okay, thank you.
विश करने आ गया गिफ्ट गिफ्ट कोई नहीं लाया कोई नहीं लाया एक दे दिया ना तब राउंड गिफ्ट क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिक्चर में आप श्योर केले आई ऑल स्ट्रगलिंग ये राज कौन है ये somebody जी एक मिक्स्ड फीलिंग है एक नर्वसनेस भी है एक एक्साइटमेंट भी है क्योंकि टचवुड हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ से भी अभी तक म्यूज़िक इज़ ऑलरेडी अ हिट नाउ तीनों गाने अच्छे चल रहे हैं सारे चार्ट्स पर फिर जिस भी सिटी में हम अभी तक हम लोग गए हैं प्रमोट करने तो वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कॉलेजेस में मॉल्स में और लाइव ऑडियंस के बीच में तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड उम्मीद करते हैं कि मतलब ये सारी जो उनकी एक्साइटमेंट है लोगों की भी वो सब देखने जाएँ क्योंकि एक्साइटमेंट सिर्फ वहीं तक नहीं रहनी चाहिए कि मिलके खुश हो रहे हैं लेकिन इट शुड ऑल्सो भी कन्वर्ट इन टू द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर सो वो देख रहे हैं वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सी आई थिंक फर्स्टली थैंक्स टू रविंदर जी ही इज गिवन दिस फिल्म अ न्यू फेस मतलब अ फेस ऐसा क्योंकि उन्होंने ग्रीस की एक ऐसी जगह पे इस फिल्म को ले जाके बेस किया जहाँ पे अदरवाइज में भी लोग नहीं जाते क्योंकि सैंटोरिनी या मिकनोस ऐसे आइलैंड्स में यूजली हमने ग्रीस को देखा है जहाँ पे सब वाइट होता है या ब्लू वाटर्स आपको दिखेंगे लेकिन यहाँ पे हमें माउंटेंस दिखे हैं वी हैव सीन मतलब आपको आइस देखने को मिलेगा आपको एक सेपरेट सा एक टाउन छोटा सा एक शहर देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में इट्स वेरी ब्यूटीफुल इट्स गॉट इट्स ओन कैरेक्टर जो एक हॉरर फिल्म में परफेक्टली प्लेस्ड है अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ही इज ऑल्सो पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी इन टू द VFX ऑफ द फिल्म विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन टूडेज टाइम उसके साथ में राजीव जी डायरेक्शन फॉर दिस हॉरर फिल्म हैज़ बीन सुपर बिकॉज उन्होंने पूरा अटेंशन पे किया है कि हर एंगल से जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो भी ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी से दी जाए देन सारे एक्टर्स की जो कैमराडरी है वो सारी नज़र आए स्क्रीन पर और वो दिख रही है मतलब और उस एंगल से यू नो वो अच्छा लग रहा है आई वुड लाइक टू से दैट इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर आई मीन वन थिंग इज देयर दैट बैंग ऑन व्हाट रजनीश सेड दैट द लोकेशंस जहाँ हमने शूट किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थे और जिस तरह की कहानी थी और जिस तरह का ट्रीटमेंट हमें देना था वो हमें बहुत आसानी से मिल गया उस लोकेशन में इट वाज वेरी फ्रेश एंड आई मीन देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन आल्सो लाइक वन थिंग इज़ दैट आप शूट हॉरर पिक्चर बना लो लेकिन आपके विजुअल्स इफेक्ट्स एंड ऑल दैट आर सपोज टू बी ऑन पॉइंट अदरवाइज एक ही इट्स अ वेरी स्मॉल लाइन ईदर यू कैन गेट इट राइट और ईदर यू कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग तो हमारी फिल्म इनफैक्ट बहुत टाइम इफेक्ट्स में बैठी है एंड स्टफ लाइक दैट वी गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेस एंड आई विल से थैंक यू टू माई प्रोड्यूसर फॉर दैट बिकॉज देर इज़ दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू डू नीड फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस टू मेक सच अ फिल्म वेर इज वेर राजीव कम्स इन आई एब्सोल्युटली एंजॉयड वर्किंग विद हिम क्योंकि उनकी इतनी क्लैरिटी थी उनके दिमाग में उनको पता था एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड एंड ही इज़ वेरी रिसोर्सफुल ऑल्सो कभी कभी हमारे सेट पे इतना
कभी कभी वेदर की वजह से इतना इशू हो जाता था, बट ही वॉज वन पर्सन आई सीन दैट डज नॉट वेस्ट एनी टाइम. उन्होंने फौरन कैमरा घुमा के एक दूसरा सीन काट लिया बिकॉज वी कुडंट शूट दिस वन सीन एंड यू नो वर्कड हिज वे अराउंड दैट. और हमने काफ़ी मतलब सुबह से शाम तक हम खड़े रहते थे एंड ऑल, बट पूरी टीम हमारी द डायरेक्शन द प्रोडक्शन एंड एवरीबडी बहुत ही प्यार से बहुत ही इकट्ठे होके और बहुत ही पैशन एंड हार्डवर्क से ये पिक्चर बनाए. तो इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और सीखने भी बहुत मिला. नो एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट थिंक इट वॉज कॉम्पिटिटिव इन एनी वे बिकॉज हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऊपर से हर एक कैरेक्टर जो फिल्म में था, हम चारों में से हर एक कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. तो ये एक बात होती है कि ठीक है आप न्यूज़ बनाने के लिए बोलो कि कॉम्पिटिशन हो रहा है, लेकिन इट वॉज नॉट, इनफैक्ट वी टुक केयर ऑफ ईच अदर ऑल द टाइम. आई मीन हम लोग के जितने कॉस्ट्यूम्स थे उस ठंड में, समटाइम्स वी वर शोइंग ग्रीस इन द समर एंड ऑल दैट, लेकिन एक्चुअली बहुत ठंड थी तो हम सारों के कॉस्ट्यूम्स कभी ऐसे थे कि वी वर ऑल सफरिंग. सो वी हैड दैट कॉमराडी बिटवीन ईच अदर वेर वी वर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. एंड ऑल आर हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं बहुत ही पैरेलल है टू एवरी. ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हीरोइन एंड ओनली पूजा इज द हीरोइन एंड ओनली शफक इज द हीरोइन. वी आर ऑल लीड्स इन द फिल्म. इट्स नॉट कि दिस वन इज एंड ऑल ऑफ देम इज इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी. नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट रजनीश, नॉट जस्ट कुणाल, नॉट जस्ट पूजा, नॉट जस्ट शफक. ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेरी असेंशियल टू द स्टोरी एंड वी अंडरस्टैंड दैट एज एक्टर्स एंड वी मूव फॉरवर्ड विद दैट वन. इनका कहने का मतलब है कि चारों लड़कियां बहुत करीब हो गई. हाँ करीब हो गई. इनफैक्ट वी गॉट अलोंग मोर देन देम बिकॉज वी यूज टू बी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर सिचुएशंस और हेल्पिंग ईच अदर आउट. आई मीन दीज गाइज अपने जैकेट वैकेट में रहते थे बट यू नो आई मीन हम लोग सब कोई एक बीमार पड़ जाता था एंड स्टफ लाइक दैट. तो वी हैड दैट कॉमराडी एंड दिस इज द मिलेनिया या वो हीरोइने का कॉम्पिटिशन पुरानी बात हो गई है. I think he's done his best and more than what he has done in 1920. I think like because of best part is iski mera pehla pehli film hai but kisi ne mujhe feel hi nahi hone diya ki ye pehli film mein they were so comfortable, they were doing what they were supposed to do, they were giving their best and it was just went so smoothly that I was really enjoyed from the beginning of the film, you know. Lucky producer. Lekin horror film ko audience देखिए आपका फर्ज है, आप अपना जो कर रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर गिविंग टू द ऑडियंस. लेट्स इट्स ऑन ऑडियंस व्हाट दे जज अबाउट इट बट यू हैव टू कीप गोइंग. ये तो है नहीं कि बंद कर देंगे आप ऑडियंस लाइक हॉरर बनाना या कॉमेडी बनाना. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू द मार्केट यू नो. अभी मैं एक और कॉमेडी कर रहा हूँ, अभी हॉरर किया तो नेक्स्ट फिल्म आई हैव डन इज कॉमेडी. Then I'm starting another one horror film, so that is after this comedy, and I'm launching a music company also by Big Bad Music on 18th August. We are starting that. Yeah. Thank you. Thank you. Roll. Yeah. Camera. Yeah. Ha ha. Okay. कौन सा कैमरा? सेंटर कैमरा ना? सारे. Okay.